पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रमेश ओझा जी की राम कथा के लिए उनकी तैयारियों को लेकर के आज कार्यक्रम हुआ है और ये राम कथा का जो आयोजन है लोहिया ट्रस्ट और श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम एवं ओम प्रकाश अग्रवाल जी के सहयोग से किया जा रहा है। बाकी सब मुरादाबाद के श्रद्धालु से निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कथा में आएं और श्रवण लाभ उठाएं। देखिए धर्म विहीना पशु नहीं समाना, अगर हमारे पास धर्म नहीं होगा तो हमारा जीवन पशुतुल्य हो जाएगा। तो जो लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट है, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट है, नीप करौली बाबा है, इन लोगों ने इस मुरादाबाद के जनमानस के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए धर्म को उनके जीवन में समाहित किया है और ये राम कथा हमारे जीवन को दिशा और दशा दोनों को सुधारने वाली है। अगर राम राज्य हमारे इस संसार में आ जाएगा, भारत में ही नहीं संसार में आ जाएगा, तो भाई भाइयों में प्रेम, बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि उसकी सेवा करेंगे, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, नशा मुक्त रहेगा और धर्म से युक्त रहेगा, तभी हमारा मानव जीवन उद्धारित होगा। लिखी गई थी आज कार्यक्रम स्थल पर व्हाइट हाउस में बुद्धि विहार, तो राम कथा 31 तारीख से कलश यात्रा हमारी शुभारंभ होने जा रही है और 9 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। 1 फरवरी से भाई रमेश ओझा जी की द्वारा मुख्य रूप से ये राम कथा का आयोजन है मुरादाबाद महानगर के अंदर किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम को रूपरेखा आपको मुझे उपस्थित रखी गई है। 31 तारीख को रणुमतेश्वर मंदिर से बुद्धि विहार में होते हुए डीपी यादव चौराया होली चौक होते हुए महिलाल पब्लिक स्कूल पर होते हुए कार्यक्रम स्थल पर संपन्न होगी। 1 तारीख से 1 फरवरी से जो अपने व्हाइट हाउस के बराबर जो प्रांगण है उसमें कथा का आयोजन किया जा रहा है। रमेश भाई ओझा जी आप सब लोग जानते हैं कथावाचक हैं, इंटरनेशनल कथावाचक हैं, जो उनके मुख से है मुरादाबाद 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। उसके तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा जिसमें भोजन की भी व्यवस्था सब लोगों की रखी गई। लोहिया परिवार द्वारा ये भोजन की व्यवस्था रोज पड़े दिन करी गई है, तो 9 दिन हमारे क्रम में इसी तरह कार्यक्रम चलेंगे। जय श्री राम, जय बाबा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।